क्या आपको पता है इस ब्रह्मांड के दानव और सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की डेथ होती है। ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट है। पावरफुल होने के साथ साथ इनकी उम्र भी बहुत ज्यादा लंबी होती है, लेकिन इनकी भी एक समय के बाद डेथ हो जाती है। इस फिनोमेना को कहा जाता है हॉकिंग रेडिएशन। ये एक थ्योरी है ब्लैक होल के रिलेटेड, जो कि स्टेफन हॉकिंग द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्लैक होल की भी डेथ होती है। इस थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल भी टाइम के अनुसार अपना मास लूज करता है, लेकिन ये प्रोसेस काफी इनक्रेडिबली स्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लैक होल सूर्य जितना बड़ा है तो उसे भी हॉकिंग रेडिएशन के इम्पैक्ट से मरने के लिए और फुली इवेपोरेट होने के लिए यूनिवर्स की करंट एज से भी ज्यादा समय लग सकता है, जो कि है 13.8 बिलियन ईयर्स। और इवन ये अपनी लाइफ एंड में वॉयलेंटली एक्सप्लोड भी हो जाता है, जिसे फाइनल ब्रस्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ ब्लैक होल कहा जाता है। रीजन, ब्लैक होल कैन रोम। यस, कुछ ऐसे भी ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं जो एक जगह फिक्स नहीं होते, इन्हें कहा जाता है रोग ब्लैक होल। ये ब्लैक होल स्पेस टाइम में काफी हाई वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं और रास्ते में आने वाली हर एक चीज को निगल सकते हैं, जो कि हमारे लिए भी एक बड़ा फ्यूचर थ्रेट है, क्योंकि एक्चुअल में ब्लैक होल इनविजिबल होते हैं और इन्हें डिटेक्ट कर पाना काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है।